हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और आज हम क्राफ्टिंग करने वाले हैं एक नए घर की। क्योंकि तो आपने पिछले वीडियो में देखा था तो काफ़ी शानदार घर बनाया था, तो आज हम दोबारा से कुछ अलग नया हटके घर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही मज़ेदार। तो दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने जो है 4x4 की जगह ले ली है और पिलर वगैरह जो है खड़े करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम कुछ अलग कलर के, क्योंकि पिछले वीडियो हमने ब्लैक कलर का घर बनाया था, तो आपको जो है वाइट और ब्लैक मतलब कॉम्बिनेशन करके दोनों का जब बनाने वाले हैं। तो हम जो है पिलर जो है हमने अपने घर के खड़े कर दिए हैं, ये देख सकते हो आप वाइट, क्योंकि वाइट से वाइट कलर जो है काफ़ी मज़ेदार और देखने में काफ़ी शानदार लगता है। तो कुछ ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन करते हैं जिससे कुछ अलग लगे। तो जल्दी जल्दी जो है हम सेट करते हैं। और आज झोपड़ी मतलब झोपड़ी की तरह घर बनाने वाले हैं, बीच में जो है कर्व शेप में जो है इसकी छत बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर इतना जो है बनकर तैयार हो चुका है, ये देख सकते हो आप। अब बचे ऊपर के पिलर, क्योंकि ये जो है नीचे की छत है, मतलब कि वाइट से बिल्कुल बंद कर देंगे। और अंदर बेसमेंट मतलब अंदर भी हम, जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा था अंदर हमने पार्क बनाया था ग्रास वाला, इसमें भी कुछ इसी तरीके करने वाले हैं। और इस तरीके से हटके भी कुछ कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी वाइट का लगाते हैं इसे। ये हो चुकी है दीवार खड़ी चारों तरफ से पिलरों के साथ। तो बीच में पिलर ले लिए, अंदर ले ली दीवार, और यहाँ पर दोस्तों इसे ऐड कर देते हैं। और इसे यहाँ पर दोनों को इसे इस जगह, ये होगा सेट मामला। तो छोटे से घर में बड़ा शानदार मतलब के कुछ देखने लायक चीज़ बनाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ है। तो यहाँ पर ये हो चुका है बिल्कुल ख़त्म, ये हो गया बंद। तो ये हो चुके हैं दोस्तों इसकी बाउंड्री चारों तरफ से पिलर विलर गढ़ के, और जो DPC वगैरह है वो हमने डाल दी है। ये रियल वाला नहीं है, लेकिन ऐसे ही इस तरीके से बना रहे हैं हम। आप देख सकते हो इधर से ऐसा है जैसे पानी की होज बन गई हो। यह पिलर दूसरा निकल के बीच में से, और यह चौथा पिलर, मतलब दो पिलर वो हैं, दो ये, तो 4 पिलर हो गए टोटल। इन्हें जोड़ते हैं दोनों को इनसे। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आप किस तरीके से हमने जो है ऐसा कर दिया है पूरे को। और अंदर देखो, अंदर थोड़ा सा यहाँ से जो है इधर घास को इसको ख़त्म कर देते हैं, सारी घास को, जितनी भी घास है अंदर ही। तो जल्दी जल्दी हमने घास ख़त्म कर दी, और अंदर से बिल्कुल टाइल्स वगैरह जो है लगा दिए हैं इसके अंदर। ये छत को बंद कर देते हैं इसकी, ये हो चुकी है। बीच में शीशा वगैरह लगा देंगे, अगर सारी को बंद करेंगे तो वो अच्छे नहीं लगने के बिल्कुल भी। ये हो चुकी ख़त्म, ये इस तरीके से, अरे क्या वेर, हाँ ये देखो दोस्तों इस तरीके से हो चुका है। अब ये आ गया बीच में दीवार। तो वाइट जो है वाइट कॉम्बिनेशन कर रखा हमने, वाइट जो है बीच में वाइट लिया है। अब चारों तरफ से वाइट की जल्दी जल्दी जो है चारों तरफ से वाइट की जो है दीवार खड़ी करते हैं। तो यहाँ पर जो है चारों तरफ से वाइट की दीवार हो चुकी है खड़ी, आप देख सकते हो इस तरीके से हो चुकी है। तो थोड़ा कर्व शेप में बनाने के लिए पहले इसमें जो है चारों तरफ से करते हैं, फिर ऊपर जो है दोस्तों इसके मतलब के छत इस तरीके से बनानी है जिससे सेट हो जाए मामला। मतलब के आप देखते रहो तो किस तरीके से बनाने वाले हैं, मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन आप देख तो सकते हो, देखते रहो बस आप। और काफ़ी ख़तरनाक और मज़ेदार होने वाली है दोस्तों, ये देख लो। तुम्हारे लिए घर तुम्हारा भाई एक से एक खतरनाक की खोज घर करता है, और एक से एक खतरनाक घर बनाता है। जल्दी जल्दी जो है ऐसा आग देते हैं इस पूरी छत में, फिर बाद में जो है ऐसा पाड़ देंगे। अब तो दोस्तों समझ गए होगे इस तरीके से होने वाला है। देखो ये इधर से भी और इधर से, बीच में से हम इसे बंद कर ही देंगे। ये रहा, ये हो चुका है सारा सेट। अरे हाँ, ये हो गया, बस अब करना कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी से इसे सेट करते हैं सारे को। ये रहा, हो ये हो गया, ये लो दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि टाइम तो मुझे ज़्यादा लगा था इसे बनाने में, लेकिन आपके लिए जो है मैं 10-12 मिनट की वीडियो लास्ट कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह समझ आ जाए और आप देख भी सको। क्योंकि ज़्यादा बड़ी में यह आदमी बोर हो जाता है, ज़्यादा बड़ी वीडियो में तो उसे कुछ मज़ा नहीं आता, वो स्किप करके देखता। अगर छोटी वीडियो बनाऊँगा तो आदमी जो है सारी वीडियो को देख लेता, हाँ इस वीडियो में क्या है, क्या चीज़ हमने करी है जल्द से जल्द। इतना मकान हमारा बन चुका है, आप देख सकते हो इसका। तो यहाँ पर पहले भी इसे सेव करते हैं बिल्कुल कर्व शेप में इस तरह से।
ये हो गया, और इसको जो है दोस्तों इससे मिलाते हैं, क्योंकि ये दोनों जो अगर इससे मिल जाएंगे तो बिल्कुल सेट हो जाएगा मामला। इसे नीचे तक कर दो, ये हो गया दोस्तों। अभी इधर एक और आएगा लेफ्ट में, ये इसे बंद करो और यहाँ पर ये बंद करो, ये हो चुका बंद। अब परमानेंट इसे हटाते हैं, क्योंकि ऐसा ना बिल्कुल दोनों सेम हो जाएंगे। ये हो गया दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को लाने में दोस्तों। लाइक तो बनता ही है। तो यहाँ पर हमने दीवार पर जो है दीवार पर डिज़ाइनिंग करी है, इस तरह की डिज़ाइन करी है दीवार के ऊपर जो अच्छी लगे। तो यहाँ पर हमने कुछ डिज़ाइन इस तरह करे है, आप देख सकते हो, जैसे लकड़ी की स्पंज वगैरह हमने लगा दी है, मतलब कि आपने देखा होगा सीढ़ी वगैरह जो है छाप देते हैं उस तरीके से दीवार पे हमने ग्रास वगैरह लगा देते हैं। तो हमने ग्रास वगैरह सेट करी, क्योंकि ऐसा ना मैंने पिछले वाले जो हमने पिछला वाला घर बनाया था उसमें भी मैंने जो है ग्रास काफ़ी लगाई थी, तो इसमें भी ग्रास तो थोड़ा शानदार से लगता है घर। तो इधर ये चिपका देते हैं, थोड़ा डिज़ाइन कर देते हैं दीवारों पर, कि ऐसा ना खाली दीवार अच्छी नहीं लग रही। तो हमने इस तरीके का डिज़ाइन करा है अलग अलग सारी पे। तो यहाँ पर हमने भर दिए सारी घास, घास मतलब ग्रास के कॉम्बो। तो यहाँ पर ब्लैक वाइट का बिल्कुल जो है कॉम्बिनेशन हो चुका है, मैट ब्लैक भी है इसमें। ये हो गया, इधर से भी लगाते हैं। यहाँ पे विंडो वगैरह के लिए हमने धूप के आने के लिए खिड़की वगैरह लगा दी है। तो यहाँ किस तरीके से इस यहाँ पर क्या लगाएं, हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी बाद में रह गया था। यहाँ पर ग्रास भर देते हैं, यहाँ पर भी इधर भी ग्रास लगा देते हैं, यहाँ पर भी ग्रास। अब बचा इधर एरिया, इधर मैं तो ये स्पंज लगावा पहले चारों तरफ से, उसके बाद जो है बीच में जो है ग्रास बना देंगे। कैसे ना चारों तरफ कर्व एरिया से जो है बिल्कुल सेम करना है, ऐसा नहीं कि इधर कुछ लगा दिया और इधर कुछ लगा दिया, चारों तरफ सेम हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। तो यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल ये तो, हाँ इधर ग्रास लगाए नहीं लगाए, चलो अच्छी लगने के लिए तो लगानी पड़ेगी, बीच में लगा देते हैं, क्योंकि विंडो अगर इसके बीच में जगह खाली है ना तो इसमें लगा देते हैं, क्योंकि उधर भी हमने लगाई थी ना, तो इधर भी लगानी पड़ेगी, फिर इधर से अच्छा लगने का है, यहाँ पर ही लगा दे। देख सो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है इसे सेट कर दिया है, अच्छी लग रही है ग्रास वैसा, कमेंट में बताइए दोस्तों ग्रास अगर अच्छी लग रही है तो। तो गेट खोल कर अंदर से देख सकते हो, अंदर से ये रहा। अब अंदर हम बेड वगैरह सब चीज़ धरते हैं और लाइट वगैरह लगाते हैं पहले, क्योंकि लाइट इतनी लगानी है और LCD वगैरह भी लगानी है। आप देखते रहो बस, काफ़ी तगड़ी ये हमने बना दिया टांड वगैरह जो खिड़की वगैरह सामान धरने के लिए, और लाइट भी लगा दी, क्योंकि ऐसा ना लाइट से उजाला अच्छा हो जाए उजाला। तो यहाँ पर उजाला काफ़ी हो चुका है, ये रहा यहाँ पर ये ओफो, हाँ ये हो गया। तो दोस्तों ये यहाँ पर किचन वगैरह सर सेट कर दिया है हमने किचन सा, अब इधर सामने हो जाएगा अपना सोने वगैरह के लिए, ये हो चुका है। बीच में कपाट वगैरह धर दिया हमने, बुक्स वगैरह सामान अपना कुछ भी चीज़ धर दो, और यहाँ पर धर दिया हमने लाइट वगैरह, इधर लाइट, ये बड़ी वाली लाइट धर दी, इधर छोटी वाली लाइट धर दी, और यहाँ पर अपनी होगी बुक, और इधर साइड में इधर तो दरवाज़ा आ रहा है, इधर क्या लें, हाँ हाँ टाइल्स सारे में लगा देना, या फिर अच्छी से लगने के टाइल्स एक तरफ लगा दी हमने, एक तरफ नहीं लगाई। तो यहाँ तक जो है दोस्तों हमारा डन हो चुका है, और यहाँ पर हमने जो है रख दिए हैं कपाट वगैरह सामान धरने के लिए, ये होगा डिजाइन। डमी हमने बना दी है, यहाँ पर भी कपाट धर दिया हमने, ये रहा ये सामान धरने के लिए, एक लाइट यहाँ पर लगा दी, ये हो चुके ग्रास, एक ये ऊपर से ग्रास लगा दी, लाइट लगा देते हैं दोस्तों, क्योंकि ऐसा ना लाइट से ये हो जाएगा उजाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लाइट नीचे जो है ग्रास पर जो है लाइट लगा दी है बिल्कुल, ये देखो आप क्या क्या मज़ेदार लग रही है दोस्तों, कलर में देखो आप घास, ये हो चुकी है सीढ़ी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि दोस्तों हमने ऊपर जो है दो छत्ती बनाई है ना दुमझला, तो यहाँ पर दुमझला बना दिया, तो यहाँ पर रखते हैं हम बेड अपना सोने के लिए, कि नीचे तो हमने धरा नहीं, तो यहाँ पर कोने में बेड वगैरह लगा देते हैं सेट करके, पहला कपाट वगैरह लगा, ये हो चुका है बेड अपना सोने के नीचे, और ऊपर दो मंजिल मकान बनाया हमने, तो नीचे तो अपना आराम से स्टडी करो पढ़ाई वढ़ाई करो, और यहाँ पर आराम से सो सकते हो। तो यहाँ पर हमने कुछ पेंटिंग वगैरह लगा दी थी है, पेंटिंग और अपने LCD वगैरह भी लगाएंगे जब इतना सामान लगा दिया। तो यहाँ पर जो है कुछ टाइल्स वगैरह बिछा देते हैं इसके ऊपर,
इधर भी जगह खाली है, इधर भी करते हैं सेट बिल्कुल सारा। ये देखो दोस्तों बिल्कुल वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन और रेड, हमने जो तीन चार कलर का जो कॉम्बिनेशन बनाया है ये रहा। थोड़ा उधर अंधेरा से लग रहा है इधर, ये पेंटिंग बिल्कुल सेट नहीं बनी अभी तो लगाएंगे, अभी लाइट लगाएंगे, ये क्या ऐसी थोड़ी रह जाएगा, हाँ ऐसी रह गया, ऊपर जाकर लाइट लगाएंगे। अब देखते हैं थोड़ा बाहर से कुछ कमी क्या रह रही है और क्या कमी पूरी हुई है इसके अंदर। ये होगी पैड़ी, कैसा ना बारिश वगैरह पड़ेगी तो अपना चलने के लिए पैड़ी अच्छी लगेगी ये। तो ये देखो दोस्तों ये हमारा घर जो है इस तरीके से जो है बनकर हो चुका है तैयार। अब बताओ इसमें कमी क्या लग रही है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों अब अंदर से तुम्हारा वॉक अराउंड लेता हूँ पूरे घर का और दिखाता हूँ पूरा घर के अंदर से किस तरीके से है यार। ये रहा तो अंदर से वॉक अराउंड लिया हमने, पहले नीचे बेसमेंट से लिया फिर ऊपर चलते हैं दुछत्ती पर। देख सकते हो दोस्तों ये हमारी पूरी वीडियो की मेहनत है सारी अभी तक की मेहनत, ये रही दोस्तों। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक तो कर ही देना। अब ऊपर का तुम्हें ऊपर का वॉक अराउंड दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा दुमजला है और सामने पेंटिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में, पेंटिंग कुछ अलग ही है दोस्तों। दोस्तों हमारा घर जो है ये तो हो चुका है बनकर तैयार। अगर कुछ कमेंट में आपको बताना है तो बता सकते हो, क्योंकि अगली वीडियो में हम कुछ नया घर बनाएंगे और कुछ हटकर घर बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो डेली लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड थम्स अप।